बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूँ इंशाल्लाह आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। जी तो हम आज क्रिस्पी बिस्किट बनाने जा रहे हैं ईद के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने पॉट रख लिया स्टोव पे, और उसमें मैं 4 टेबल स्पून वाटर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के और हेल्दी बिस्किट्स हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून गोल्डन सिरप ऐड करेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून बाइकार्ब सोडा, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग नॉट बेकिंग पाउडर, बाइकार्ब सोडा। हम सिर्फ इसको वार्म अप करेंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह। मैं स्टोव को ऑफ करती हूँ, इसी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो 125 ग्राम बटर है, 1/2 कप ब्राउन शुगर है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 1/2 कप ओट्स है, दलिया जिसको बोलते हैं, कोकोनट है 1/2 कप, ये देखेंगे फाइन कोकोनट है, तल है 1/2 कप, और फ्लावर जितनी आपको ज़रूरत पड़े। देखिए जी, सबसे पहले हमने बटर को ऐड किया है, अब हम बटर में शुगर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको साथ ही हम 1 कप फ्लावर ऐड करेंगे और इसका ब्रेड क्रम्स बनाएंगे हाथ के साथ ही। ये देखिए, इसको हमने हाथ के साथ ही ऐसे से मल के ब्रेड क्रम्स की शक्ल में कर लेने। बहुत ही फ्लफी सा होना चाहिए, लाइट सा फ्लावर हमारा होना चाहिए। यहाँ पर हम सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और ये भी उसी में शामिल करेंगे। यहाँ पर 1 कप फ्लावर मैंने ऐड किया था और 1/2 कप और ऐड कर रही हूँ क्योंकि बटर ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स हो गए उसके। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें सारे जो नट्स और वो चीज़ें थी, दलिया था इसमें, तल थे, सौंफ, कोकोनट थी, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर वो ऐड कर दिया हमने। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम इसी आटे में ऐड करते हैं और इसके साथ ही हम इसको सॉफ्ट डो की शक्ल दे लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये सॉफ्ट डो बन जाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा डो बन गया। इसको हम 1/2 आवर के लिए छोड़ देंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है ना ज़्यादा हार्ड। ये देखिए, 1/2 आवर रेस्ट देने के बाद हमने उसकी रोटी बेल ली है और अपनी शेप के मदद से, जो सी भी शेप आपको चाहिए, राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, आप शेप काटें। यहाँ पर हम फोक ले लेंगे और फोक की मदद से हम इसको स्क्रैच करेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि उसमें और अच्छी स्टाइलिश डिज़ाइनिंग हो जाए। यहाँ पर हमने 180 डिग्री पे ओवन को ऑन करके रख दिया है तकरीबन 15 मिनट में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी, हमारे बिस्किट रेडी हैं। आफ्टर 15 मिनट के बाद मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। कूल डाउन होने पे मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माउथ वाटरिंग। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, बार बार आपके घर वाले फरमाइश करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में मस्त बताया करें, और प्लीज़ मेरी रेसिपी को फुल देखा करें, और साथ ही बेल का जो आइकॉन है वो मस्त दबाया करें ताकि आने वाली जो फ्यूचर में जो आने वाली रेसिपीज़ हैं वो भी आपको बआसानी मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है और हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मस्त बताएं। फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।